नमस्कार साथियों, जय माता दी। स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि नवरात्रि का त्यौहार जो है वो एंड हो गया है, हैप्पी से शुरू होकर हैप्पी पे एंड। दुर्गा जी माँ जगत जननी हमारे लिए कुछ संदेश छोड़कर गई हैं, चलिए जानते हैं एक एक करके। इस मुस्कुराती हुई मूर्ति की चर्चा को देखकर कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि एक मंदिर में इस मूर्ति को स्थापित कर दी जाए, लेकिन नवरात्र में मिट्टी की मूर्ति को स्थापित करने का विधान यही है कि उसका विसर्जन अनिवार्य है। अब आप लोगों को जानकर ये कितनी हैरानी हो रही होगी कि माता का विसर्जन हो जाएगा और क्या दोबारा फिर इसी जैसी मूर्ति पुनः बनेगी? नहीं बन पाएगी, कुछ ना कुछ डिफरेंट हो जाएगा। यदि देवी जी का विसर्जन नहीं किया और उन्हें किसी मंदिर में स्थापित कर दिया तो क्या उनकी कोई वैल्यू रहेगी? हाँ, यदि फिर से हम उस मूर्तिकार से रिक्वेस्ट करें कि आप इसी प्रकार की अन्य मूर्तियाँ बनाएं ताकि अगले जो नवरात्र में है उसमें फिर से एक नई मुस्कुराहट लोगों तक पहुँच पाए, इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं कमेंट करके जरूर। माता रानी ने जिस प्रकार पूरे भारत में अपनी मुस्कान बिखेरी है वो ये दर्शाता है कि यहाँ पर इस समय नारी शक्ति का बहुत ही बढ़ चढ़ कर समय चल रहा है। आपका क्या ख्याल है, क्या भारत में भी नारी शक्ति वुमेन्स पावर बहुत जोरों पर है और हमारे भारत में नारियों को अपना सम्मान मिल रहा है या उनके हक की लड़ाई उनको मिल रही है? आपका क्या? वो कुछ लोग जो दुर्गा पूजा को उत्सव बड़ी श्रद्धा से कर रहे हैं, उन्होंने मूर्ति के अलावा कभी भी देवी जैसी औरतों और लड़कियों का सम्मान किया है क्या? नहीं, या फिर ये सिर्फ नौदन का दिखावा है? हमारे यहाँ अजीब विडम्बना है, माँ दुर्गा की पूजा करने वाले भी अपने घर की औरतों को आज भी अबला समझते हैं। आपका इस विषय में क्या ख्याल है? मेरा आपसे केवल कमेंट, आपकी राय जानना है। सिर्फ नवरात्रि का त्यौहार आने पर ही औरतों का सम्मान या हमेशा सदाबहार? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।